तो इसमें है 1 किलो आम और मम्मी ने एक खा लिया है और एक मैंने खा लिया है, तो अब करते हैं आम खाने का कॉम्पिटिशन, तो देखें और इंजॉय करें। हेलो दगड़ियो, कैसा लगा हमारा गांव, कैसा लग रहा हमारा जंगल भी, हमारा गांव भी, हमारा खेत, हमारा वाटरफॉल, कैसा लगा दगड़ियो? अब मैं इतके कहने कहती हूँ, बाय 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 बाय। हेलो दगड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग पहलाग, अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं बिरुड़थवाल एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दगड़ियो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे। तो दगड़ियो मेरे एक सब्सक्राइबर भैया हैं ललित नाथ जी, उनका कमेंट आया हुआ था कि अपने गाँव का नाम बताइए और कहाँ से हैं क्या है करके। तो दाजी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गाँव का नाम हिल स्टेशन बिरथी है और दाजी ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में ये गांव पड़ता है जो कि काफ़ी सुंदर और अद्भुत और मनमोहक है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर सा एरिया है। ये वाटरफॉल है हमारा बिरथी वाटरफॉल जिसकी हाइट है 148 मीटर और ये मतलब पूरे विश्व में काफ़ी विख्यात वाटरफॉल है। तो दाजी मैं हूँ बिरथी फॉल से, तो ठीक है। तो दगड़ियो आजकल जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बरसात का मौसम है तो काफ़ी आपदाएं वगैरह भी आ रही हैं, जैसा कि आपने अमरनाथ वाली आपदा देखी होगी और ये क्या बोलते हैं चमोली में, हिमाचल में काफ़ी पहाड़ी एरिया में बरसात के कारण काफ़ी बारिश वगैरह हो रही है, तो लैंडस्लाइड वगैरह भूस्खलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हर दिन बरसात है। मतलब सुबह थोड़ी सी धूप लग रही है, दिन में धूप लग रही है, तो रात को ऐसी बारिश खनिया दे रहा ना, मतलब बड़ वाली बारिश आ रही है भयंकर तरीके से, मतलब ऐसी डर लग रही है रात को तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप दिन में देखते हैं तो काफ़ी प्यारा सा नज़ारा देखने को आपको मिलता है और आज भी काफ़ी मस्त सा नज़ारा हो रखा है जैसा कि आप डेली देखते हैं और खेतों में हरियाली वगैरह हो रही है। तो जैसा कि आपको पता ही है डॉन चले गई है मुनस्यारी की तरफ और मम्मी गई है घास काटने के लिए, मुझे जाना है अभी घास देने के लिए उधर, तो मैं आपको वहाँ से आज का नज़ारा दिखाता हूँ कितना प्यारा प्यारा गाँव दिखता है। तो मतलब उधर वाले एरिया से हमारा गाँव काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो दगड़ियो आज के ब्लॉग स्टार्ट कर ही दिया तो जुड़े रहे ब्लॉग के साथ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करना कि आप ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ये कमेंट जरूर करना, ठीक है। ये मेन मुद्दा है कि आप कमेंट कहाँ कहाँ से करते हो और कहाँ कहाँ से देखते हो ब्लॉग को, तो मैं ऐसे ही एनालाइज करना चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग कहाँ कहाँ से देखा जाता है। तो दगड़ियो आज के ब्लॉग में बस स्टार्ट कर दिया है तो जुड़े रहे ब्लॉग के साथ और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। तो दगड़ियो अब मैं चलता हूँ खेत में और मुझे ले जाना है क्या, ये खाद का डुक्का। तो दगड़ियो मैं पहुँच गया हूँ खेत में और मैंने खाद वहाँ पे खाली कर दिया है और मैं यहाँ से आपको हमारे गांव का नज़ारा और वाटरफॉल का पूरा सा नज़ारा दिखाता हूँ और हमारे खेत खलिहान दिखाता हूँ। और मम्मी यहाँ पे बढ़िया करके घास काट रही थी, अभी तक तो थक गई है तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट मार रही है। और हमारा छोटा चेतन कल्लू डॉग कल्लू, तो कल्लू भी यहाँ आ गया है, तो मैं आपको मस्त सा नज़ारा दिखाता हूँ, ठीक है। तो दगड़ियो ये है वाटरफॉल, जैसा कि आप जानते ही हैं बिरथी वाटरफॉल मैंने फर्स्ट ही बताया था कितना पॉपुलर है, और उसके बगल में एक वाटरफॉल और आ गया है और एक यहाँ पे है, मतलब वाटरफॉल ही वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। और ये है हमारे खेत जिसमें मडुआ धान वगैरह हो रखा है और ये है हमारा हिल स्टेशन बिरथी का गांव जो कि बहुत ही खूबसूरत है और ऊपर से बादल का अलग ही मज़ा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये है हमारा प्यारा सा बिरथी गांव। तो ललित नाथ जी कैसा लगा हमारा गांव आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो दगड़ियो, कैसा लगा हमारा गांव, कैसा लग रहा हमारा जंगल भी, हमारा गांव भी, हमारा खेत, हमारा वाटरफॉल, कैसा लगा दगड़ियो? अब मैं इतके कहने कहती हूँ, बाय 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 बाय। तो दगड़ियो देख सकते हैं फिर से बरसात स्टार्ट हो गई यार, ये बारिश जीने नहीं देगी, मतलब ना डरा डरा के मारेगी हमें। तो फिर से यहाँ से बारिश स्टार्ट हो गई है और मम्मी यहाँ पे बैठी है, दही ठिया तनुगर
तो मुझे यहाँ से घास ले जाना है। मैं सीधे निकलता हूँ घर, मम्मी पता नहीं कब आती है। दही सीधा घर ही टाप, तो चलता हूँ घर की तरफ। तो ये है मेरा भारी और मैं इसको ले जा रहा हूँ घर। तो चलते हैं घर की तरफ। तो देखो घास लेके मैं पहुंच चुका हूँ घर। तो अब देखते हैं आज का मौसम कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ से तो भयंकर बारिश आने लगी है, तो पता नहीं क्या रहता है। और अपना चूचू सा दोस्त प्यारा सा यहाँ पर लटका हुआ है, और अंगूर की बेल देख सकते हैं काफी बड़ी भी हो गई है आजकल, यहाँ पहुंच गई है। पहले मतलब वहां से स्टार्ट कर रखा था इसको, 2 महीने पहले यहाँ पहुंच गई इतनी दूर, तो अभी काफी बड़ी हो जाएगी। तो जब तक ये बड़ी हो जाएगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा इसको, ठीक है। तो देखो बारिश रुक चुकी है और मैं लेके आया हूँ 1 किलो आम। तो मम्मी का और मेरा कंपटीशन होने वाला है कि कौन ज्यादा आम खा पाता है, कौन है ये। तो करते हैं स्टार्ट कंपटीशन, तो जुड़े रहें और देखिए कौन जीतता है, ठीक है। तो इसमें है 1 किलो आम और मम्मी ने एक खा लिया है और एक मैंने खा लिया है। तो अब करते हैं आम खाने का कॉम्पिटिशन, तो देखें और इंजॉय करें। फाइनली मैंने 1 किलो आम खा लिए हैं और मम्मी ने सिर्फ दूसरे आम में पहुंची थी और मैंने सारा खत्म कर दिया। तो कैसी लगी स्पीड खाने की? अगर आप आम खिलाना चाहते हो तो आप मेरे लिए भिजवा सकते हैं, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहिए। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स है? एक दण मजिया क्या क्योंकि मैं बक्के खा रही हूँ। खोल नन्नू मिल रही है, तुम्हें दी नन्नू नन्नू खून दीवे चिक्कल में दीवे। तो 1 किलो आम स्वाहा मम्मी के खाने से पहले। तो देखो मैंने मम्मी को अभी क्या बोलते हैं वो वाला दिखाया ना टाइम लैप्स वाला, तो मम्मी खुश हो गई और खुशी के मारे आंसू कहीं नहीं रुक रहे मम्मी के। क्या रोड पे है ये आम खाए जान गए याद नहीं आता ना रखे। तो मम्मी रोने ही लग गई। चुटकी मैंने 1 किलो आम खाए, 1 किलो। तो देखो हो गई है शाम और अब खाना वगैरह खाते हैं, और बाहर तो काफी खतरनाक वाली बारिश हो रही है। तो अब आगे को क्या करें, खाते पीते सो जाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं। तो देखो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट, गुड नाइट।